हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले एक बांग्ला सॉन्ग के ऊपर जिसका नाम है तुमरा पैसा दिए गन के किनो सॉन्ग के ऊपर। और भाई ये जो सॉन्ग है ना, ये काफी पुराना सॉन्ग है और इसको गाया है आशा भोसले मैम ने। तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। ये भी हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस सॉन्ग के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही बना रहे हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो क्या भाई करना? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया ना, वहां पर आप एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो भाई अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए भाई मैं कब से बोल रहा हूँ भाई, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि भाई ज्वाइन जरूर से करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम डेली ही वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इसलिए ज्वाइन जरूर से दबाएं यार। तो चलो आप जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं सॉन्ग के ऊपर, आखिर कैसा सॉन्ग है। तो चलो 1 2 3 गो। हम आपकी बात सुन रहे, तो आप भी हमारी बात जरूर सुने और ज्वाइन का बटन जरूर दबाएं। ये काफी पुराना सॉन्ग है यार। बड़ा पुराना सॉन्ग है, इसका सॉन्ग है यार 90s, मुझे उससे भी पीछे लग रहा है, 90s का ही है, बड़ा पुराना है भाई। इन गानों की वाइबिंग कुछ अलग ही थी। ये वो मैम है जिसने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो आशा भोसले मैम ने किया ना। आशा भोसले तुमरा पैसा गन के किनो तुमरा पैसा दिए गान के किनो आधे राती। इसको बोलते हैं रियल ब्यूटी विदाउट एनी फिल्टर। और आवाज देखी नहीं प्यारी मैम की, ये मैम शर्मिला टैगोर है। मैंने काफी नाम सुना है, मतलब अपनी जो मम्मी पापा है ना उनसे काफी नाम सुना है शर्मिला टैगोर। तुमरा पैसा दिए गन के किनो पैसा
तो भाई ये गाना था तुमरा पैशा, ये गान के किनो सॉन्ग था और ये काफी पुराना सॉन्ग था, मतलब क्योंकि ये भी बोला था 90s का सॉन्ग था और इसको गाया था आशा भोसले मैम ने और इसमें जो डांस कर रहे थे ये मैम थी शर्मिला टैगोर। तो भाई ये जो सॉन्ग था इसके बारे में हम क्या ही बोले कि ओल्ड वाइब्स यार, जबरदस्त। वही बोलते हैं कि देखो जैसे जैसे हम छोटे होते हैं ना तब हमें ये डिचिक डिचिक वाले सॉन्ग काफी पसंद आते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना 20s के 25 30s के आसपास वाइबिंग कुछ अलग ही होती है। और सही में बोलते हैं ना रियल टैलेंट पहले था और वो ओल्ड इज गोल्ड, भाई ओल्ड इज गोल्ड, ये सही में वो डिफाइन करता है। कभी भी कभी नहीं, वो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड ही रहेगा हमेशा, कभी वो ये नहीं होगा कि नहीं यार। कभी भी कोई भी मूवी देखोगे कोई भी सॉन्ग सुनोगे ना तो सेम है, कनेक्शन जैसा फील होता है, काफी अच्छा लगता है। स्टोरी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल लिरिक्स होते हैं, मीनिंगफुल सब कुछ, मीनिंगफुल काफी अच्छा सॉन्ग था यार काफी। और मैम जैसे मैम के एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो नाच रहे थे ना भाई, जबरदस्त यार, ऐसा अब मतलब कम ही देखने के लिए मिलता है यार, ऐसे नहीं देखने आप तो कहा ही है भाई। और ये गाना काफी बढ़िया लगा, बाकी आप सबको ये सॉन्ग कैसा लगा अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जिस जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना वहां पर एक ज्वाइन का बटन आता है भाई, आता है उधर सही में देखो JOIN लिखा होगा, उसको दबाओ यार, हमें भी सपोर्ट जरूर से करो क्योंकि हम आपकी सुनते हैं, आप भी हमारी सुनो और हमें सपोर्ट जरूर से करो और ज्वाइन जरूर से करना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।